अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की वीडियो बनाने का बेसिक एक मकसद था और वो मकसद ये है कि वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स के जो ये कहते हैं, मतलब हमने अक्सर सुना है स्टूडेंट से कि कुछ एक सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनको वो कह रहे होते हैं, क्लेम कर रहे होते हैं कि बहुत मुश्किल हैं, ये सब्जेक्ट तो मुझसे नहीं होने वाला, ये सब्जेक्ट तो मैं कभी नहीं कर सकता, इस सब्जेक्ट में तो मेरे मार्क्स आ ही नहीं सकते। तो हम आज की ये वीडियो तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं कि जिनके लिए कोई ना कोई एक सब्जेक्ट बहुत मुश्किल उनको लग रहा होता है, उनको लगता है कि कोई ना कोई एक सब्जेक्ट ऐसा है कि जो वीक है, जिसके अंदर वो उस तरीके से मार्क्स नहीं ले पाएंगे जिस तरह से किसी दूसरे सब्जेक्ट जो कि बहुत स्ट्रांग सब्जेक्ट होता है उसमें ये ले पाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, कुछ रीजंस आपको समझाऊंगा, कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर करूंगा कि कैसे हम जो है किसी एक वीक सब्जेक्ट को भी एक स्ट्रांग सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी एक वीक सब्जेक्ट से भी उतने ही मार्क्स दे सकते हैं कि जिस तरह से हम किसी एक अच्छे, एक आप कह सकते हैं कि ऐसे सब्जेक्ट से जिसकी हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ आती है उससे हम कोई अच्छे मार्क्स ले पाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इस तमाम सिनेरियो की, तो इस सिनेरियो को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने छोटी सी एक कहानी बताऊंगा। इस कहानी से मैं आपको क्लियर करूंगा कि किस तरीके से आप अपनी मुश्किलात के अंदर एक अच्छा बेहतर सॉल्यूशन जो है वो सोच सकते हैं, एक अच्छा बेहतर सॉल्यूशन आपके सामने आ सकता है। तो अगर हम बात करते हैं इस कहानी की, तो ये कहानी बेसिक के तौर पे एक धोबी की है, जो धोबी मतलब आप कहते हैं ना कि कपड़े जो धोता है उसकी और उसके गधे की एक कहानी है। धोबी जो है बेसिक के तौर पे वो करता ये है कि वो हर दिन जो है शहर जाता है, शहर जाकर धोबी जो है वो कपड़े लेकर आता है धोने के लिए, गाँव में आकर अपने घर के अंदर जो है वो कपड़े धोता है और कपड़े धोने के बाद फिर दोबारा नेक्स्ट डे जाकर जो है शहर के अंदर वापस वो कपड़े वापस उनको देता है। तो ये जो गधा होता है उसके ऊपर ये धोबी अपने कपड़े लाद कर ले जाता है और लाद कर लेकर आता है, और उस गधे के मतलब गधे की और उसकी मूवमेंट के दरमियान, शहर और गांव के दरमियान एक क्या होता है, कुआं होता है, और उस कुएं के अंदर क्या है बेसिक के तौर पे वो कुआं खाली होता है, उसमें कोई पानी नहीं होता और बड़ा गहरा कुआं होता है। तो एक दिन हुआ ये कि जब गधा और उसका जो मालिक धोबी है वो वापस शहर से गांव की तरफ लौट रहे होते हैं, तो एकदम से गधा जो है उसका पांव फिसलता है और फिसलने के बाद वो गधा जो है वो उस कुएं में जाकर गिर जाता है। अब हुआ ये कि अब जाहिर सी बात है जो मालिक है उसका, जो धोबी है, ठीक है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो एक बहुत वीक सा बंदा है, उसके पास इतना रिसोर्स नहीं है, उसके पास एक ऐसे कहने के इतनी कुव्वत ताकत नहीं है कि वो उस गधे को वापस उस कुएं से निकाल पाए। तो वो सोच विचार करता है कि अब मैं क्या करूं, मैं तो फंस चुका हूं, मेरा गधा भी जो है इस कुएं के अंदर जाके गिर चुका है, अब मैं कैसे इसे बाहर निकालूंगा, किस तरीके से इसको जो है वापस लेकर आऊंगा, उस कुएं से बाहर लेकर आऊंगा। तो इस सोच विचार में वो मुब्तला होता है, वो उसका एक वीक पॉइंट बन जाता है कि भाई उसके पास इतनी कुव्वत इतनी ताकत नहीं है कि वो गधे को वापस कुएं से बाहर निकाले और उसके बाद जो है उसको घर ले जाए। तो ये बात सोच रहा होता है तो एकदम से इसके जहन में बात आती है कि यार गधा तो बहुत बूढ़ा हो चुका है, कुछ ना कुछ दिन बाद उसने मर ही जाना है, तो क्या करूं मैं भाई, कोई सोल्यूशन नहीं मुझे मिल रहा, मेरे में इतनी ताकत हिम्मत नहीं है कि मैं इस मैटर को सॉल्व कर सकूं। तो मैं करता ये हूं कि मैं इस कुएं के अंदर मिट्टी डालना शुरू कर देता हूं, गधा खुद ब खुद जो है क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसकी आवाज जो कि वो बार बार निकाल रहा था कि मुझे बाहर निकालो खत्म हो जाएगी। तो वो करता यह है कि मिट्टी समेटता है और मिट्टी समेटने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इस कुएं को फिल करने की कोशिश करना शुरू कर देता है। अच्छा हुआ ये कि जब जैसे जैसे मिट्टी ऊपर जाना शुरू हुई, गधा भी जो है और चिल्लाना शुरू हो गया और वो कहना शुरू हो गया कि भाई मैं नीचे हूं, मुझे बाहर निकालो, ठीक हो गया। अब इस सिनेरियो के अंदर हुआ ये कि मिट्टी डालता जा रहा है गधे का मालिक, मिट्टी डालता जा रहा है उस कुएं के अंदर और कुआं आहिस्ता आहिस्ता फिल होता जा रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता ही जो गधे की आवाज थी वो भी धीमी होती जा रही है। अब हुआ ये कि आवाज नहीं आ रही, गधे का जो मालिक है वो कुएं के अंदर मिट्टी तो डालता है लेकिन गधे की आवाज अब नहीं आ रही। तो वो कहता है कि देखूं तो सही कि भाई कुआं कितना फिल हो गया, मैंने कितना मिट्टी डाल दी है उसके अंदर। जब वो कुएं के अंदर झांक कर देखता है तो वो हैरान रह जाता है कि गधा जो है वो बहुत ऊपर आ चुका है। किस तरीके से, जब मालिक उसका मिट्टी डालता है तो गधा जो है अपने जिस्म को हिलाते हुए उस मिट्टी को साइडों में ट्रांसफर कर देता है और वो ऊपर की तरफ को आ जाता है। तो जैसे जैसे कुआं फिल होता जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, गधा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ को आना शुरू हो चुका है, और फिर ये जो गधे का मालिक था वो इतनी मिट्टी डाल चुका होता है कि गधा बआसानी तौर पर कुएं से बाहर आ चुका होता है। तो अपने तौर पर उसने तो जो है उस है मुश्किल से निजात चाहिए थी, क्योंकि वो समझता था कि उसके पास कोई ताकत कुव्वत नहीं है कि वो गधे को वापस लेकर आ सके, लेकिन देख लें कि उसकी इस
बात ने, उसके इस डिसीजन ने उसको सोल्यूशन दे दिया और उस सोल्यूशन से उसने अपना वापस गधा हासिल कर लिया, जो कि आप कह सकते हैं कि उसकी कमाई का एक जरिया भी था। तो आप देख सकते हैं कि इतनी मुश्किल, इतने पैनिक सिचुएशन के अंदर भी गधे के मालिक को कोई ना कोई सोल्यूशन मिल गया। अगरचा उसने बुरा सोचा लेकिन फिर भी उसे अच्छा मिल गया। तो क्या आप इस तमाम की तमाम कहानी से अपने लिए कोई पॉजिटिव पॉइंट निकाल सकते हैं? आप निकाल सकते हैं, देखिए जरा, निकाल सकते हैं। आप लोग समझते हैं कि आपका कोई एक सब्जेक्ट बहुत वीक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है स्टूडेंट्स की? वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखें, सब्जेक्ट में महारत होना या ना होना ये तो दूर की बात है ना। देखें, अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को इस बात को लेके अपने ऊपर हावी कर लेंगे कि यार ये सब्जेक्ट तो बहुत ही मुश्किल है, ये सब्जेक्ट तो बहुत ही मुश्किल है जनाब, मैं तो इस सब्जेक्ट को पढ़ नहीं सकता, मैं तो सब्जेक्ट में मार्क्स ले ही नहीं सकता, तो जब आप किसी सब्जेक्ट के हवाले से, किसी बुक के हवाले से, किसी कॉन्सेप्ट के हवाले से अगर पहले ही अपने दिल में, अपने जहन के अंदर उसके लिए डर बिठा लेंगे और ये बात अपने जहन में बिठा लेंगे, अपने आप को सेटिस्फाई कर लेंगे इस बात से कि ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक तो मैं कभी कर ही नहीं सकता, तो ये सब्जेक्ट और ये टॉपिक कभी होगा भी नहीं। ये बात लिख लीजिए जनाब, ये होगा भी नहीं, क्योंकि देखिए सारी की सारी जहन और बात दिल की है। तमाम लोगों को अल्लाह ताला ने एक ही तरह की जो है वो सलाहियत, मतलब मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ इस बात को कि हाँ कुछ लोगों का जो है वो सोचने की शायद अदा होती है, कुछ के अंदर सलाहियत उतनी होती, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होते इस तरीके से। लेकिन आपको बताऊँ कि अल्लाह ताला ने सबको इक्वलेंटली तौर पर जो है वो ये सलाहियत दी हुई है। कुछ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसको, कुछ कम इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोग अपने जहन के अंदर, अपने दिल के अंदर ये बात बिठा लेंगे कि ये पॉइंट नहीं होने वाला, ये सब्जेक्ट में नहीं कर पाऊंगा, तो वो कभी भी नहीं होगा। तो आपने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, सबसे बड़ा रीज़न यही है हमारे किसी एक सब्जेक्ट, किसी एक पॉइंट को वीक करने के लिए, कि हम ये सोच लेते हैं, अपने दिल में ये बिठा लेते हैं कि हम ये सब्जेक्ट नहीं कर पाएंगे, हम ये कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाएंगे, हम इस कॉन्सेप्ट, इस सब्जेक्ट से मार्क्स नहीं गेट कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने करना क्या है, हमने इस दिल के अंदर बैठे डर को ख़त्म करना है, हमने इस दिल या दिमाग के अंदर बैठी बात को ख़त्म करना है, इस लॉजिक को अपने जहन में आने ही नहीं देना कि ये वीक पॉइंट है, ये वीक सब्जेक्ट है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मैं इस सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स नहीं ले पाऊंगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है? एक तो पॉइंट ये हो गया ना कि हम अपने जहन में, अपने दिल में डर बिठा लेते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि देखें, पहले हुआ करता था कि रिसोर्सेज नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, इतने रिसोर्सेज नहीं थे। फिर वो उस वक्त क्या करते थे स्टूडेंट्स, उस वक्त स्टूडेंट्स क्या करते थे कि अपने पास रखा करते थे एक अदद, आप कह लें कि नोटबुक, और एक अदद लेड पेंसिल, और उसके साथ साथ जो है डिक्शनरी रखा करते थे। कोई भी पॉइंट, कोई भी चीज़ जो कि कोई भी लफ्ज़ के मानी समझ नहीं आते थे, वो फ़ौरन से डिक्शनरी में देख के उसको अपनी बुक में नोट डाउन कर लिया करते थे, हर चीज़ को अंडरलाइन किया करते थे। कोई चीज़ मुश्किल आ रही है तो उसको अंडरलाइन कर लिया, किसी से डिस्कस कर लिया, किसी से पूछ लिया, क्वेश्चन पूछ लिया, और उसके थ्रू अपने वो पॉइंट क्लियर कर लिए। अब क्या हुआ है, अब देखिए रिसोर्सेज की भरमार है, इंटरनेट के ऊपर हर तरह का टीचर आपके लिए अवेलेबल है, हर तरह का कॉन्सेप्ट अवेलेबल है, हर तरह की बुक के ऑनलाइन लेक्चर्स मौजूद हैं, लेकिन फिर भी सूरत हाल वही है। स्टूडेंट यही क्लेम करता है कि ये सब्जेक्ट वीक है, ये सब्जेक्ट वीक है, ये पॉइंट क्लियर नहीं होता, ये पॉइंट मैं कभी कर ही नहीं सकता। तो ये तमाम के तमाम एक्सक्यूजेज हैं, आपने इन एक्सक्यूजेज को जहन में नहीं लाना। दूसरी बात यह कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो ये कहते हैं कि यार ये टीचर की जो है ना, ये टीचर ही अच्छा नहीं समझाता, ये टीचर मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा समझाता जी, मुझे कभी इस टीचर की समझ नहीं आई, नहीं समझ आने वाली। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो टीचर आपको नहीं समझा पाता, तो देखें इंटरनेट के रिसोर्सेज मौजूद हैं। आप इंटरनेट के ऊपर किसी एक सब्जेक्ट से रेलेवेंट, किसी एक टॉपिक से रेलेवेंट 100 वीडियो देख सकते हैं, 100 डिफरेंट इंस्टीट्यूट जो है वो टीचर्स होंगे, तो कोई ना कोई टीचर तो आपको समझा पाएगा ना, कोई ना कोई टीचर तो आपके माइंड में वो बात क्लिक कर पाएगा जो कि आपको जरूरत है, जो कि आपकी नीड है। तो क्यों ना आप लोग जो है इन तमाम के तमाम फैसिलिटीज को बेहतर से इस्तेमाल करो, इनको मिस यूज करने के बजाय इनको बड़े अच्छे तरीके से यूज करना शुरू कर दो। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको लास्ट पॉइंट के बाद ये बात क्लियर करूंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होगी है और आपको मैंने बताया था कि मैं सोल्यूशन बताऊंगा इस तमाम के तमाम सिनेरियो का। और सोल्यूशन यही है कि जो पॉइंट आपको लगता है मुश्किल है, जो बुक आपको लगती है मुश्किल है, जिसमें कि आप लोगों को लगता है कि मैं मार्क्स नहीं गेट कर पाऊंगा, आप बस कॉन्स्टेंटली तौर पे, जैसे लेट सपोज आप हर एक बुक को 30 मिनट देते हैं, 40 मिनट देते हैं, हर दिन देते हैं, जो वीक बुक होती है उसको आप इग्नोर कर देते हैं कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आने वाली, फायदा नहीं होगा, टाइम ज़ाया होगा, आपने ऐसा नहीं करना, उस बुक को आपने इग्नोर नहीं करनी, आपने हर दिन उस बुक को 30 से 40 मिनट लाजमी देने। कोई बात नहीं, एक दिन आपने 30 से 40 मिनट दिए, कुछ समझ नहीं आई, लेकिन आपने टाइम तो दिया ना, एटलीस्ट आप नेक्स्ट डे फिर टाइम दें, उससे नेक्स्ट डे फिर टाइम दें, नहीं समझ आ रही आप इंटरनेट का सहारा लें, आप किसी ट्यूटर का सहारा लें, लेकिन कम से कम उसमें तगो तो करें ना, उसमें कोशिश तो करें। कोशिश से हर चीज़ हासिल हो जाती है भाई, हर चीज़ हासिल हो जाती है कोशिश से। तो क्यों ना आप लोग कोशिश करें, क्यों ना आप लोग अपने इस वीक सब्जेक्ट को अपनी इन कोशिशों से, अपने इन रिसोर्सेज को बेहतर वे में इस्तेमाल करते हुए
बहुत अच्छा जो है सब्जेक्ट आप बना लें उसको. तो ये जो वीडियोस हम अभी जो मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है अपने वीक पॉइंट सब्जेक्ट को, अपने वीक पॉइंट को कैसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कन्वर्ट करना है, अपने वीक सब्जेक्ट को कैसे अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में जो है वो कन्वर्ट करना है, इस हवाले से मैं फर्दर भी वीडियोज़ बनाऊंगा आपके लिए. तो अब तक की इस वीडियो के अंदर अब तक के लिए इतना ही रहेगा, और आपके क्वेश्चन का मैं इंतजार करूँगा, आपकी सजेशन का मैं इंतजार करूँगा. आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है. जो स्टूडेंट्स या जो लोग इस वक्त मेरी वीडियो देखेंगे उन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब भी करेंगे, बेल आइकॉन को क्लिक भी करेंगे, क्योंकि ये जो चैनल है ये बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आता है. तो अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर भी जो है इस तरह की बातें मैं करूंगा आपसे. आपने ये सीरीज़ ज़रूर देखनी है. थैंक यू सो मच.